हाँ तो इसमें अगर वूल का पॉलीमर इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉलीमर इट कंटेन्स अल्फा कैरेटिन पॉलीमर विच हैज़ हेलिकल कॉन्फिगरेशन द कन्फिगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर से हेलिकल हेलिकल कन्फिगरेशन इज देयर और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिपीटिंग यूनिट्स इज अमीनो एसिड्स लिंक टू पेप्टाइड बॉन्ड तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड uh, बॉन्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है पेप्टाइड्स बॉन्ड सी ओ एन एच का लिंकेज दिस इज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं एटीन अमीनो एसिड से ये बना होता है वू लिज अमॉरफस पॉलीमर जैसे वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि क्या उसमें इतने अमोरफस और क्रिसलाइन से वो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा फंसे कि मॉइशर रीगेन प्रॉपर्टीज में और उसमें तो यू सी दैट इज़ वूल इज़ अ टोटली एमोरफस पॉलीमर तो एमोरफस मीन्स It is not hundred percent. It does not yet have closed packing. Closed packing. It did not have uh, this type of a closed packing. So, uh, so for say, mm -hmm. if we talk about uh, these things, uh, wool polymer. So wool is a uh, amorphous polymer. As we were discussing yesterday, ki, uh, in case of wool polymer, what happens is, uh, uh, since it is an amorphous amorphous structure, means they have this porosity. Porosity in the sense, spaces spaces between these inter species interstices so uh, these have more uh, spaces and they absorb more water so it is a amorphous polymer and it is 25 to 30 percent crystalline only so i think this concept is clear ki it is amorphous or how it is crystalline so now we will see about these linkages in case of a uh, पोलर पेप्टाइड ग्रुप्स और वॉट आर द अदर बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वूल स्ट्रक्चर सो इफ वी टॉक अबाउट दीज वूल स्ट्रक्चर्स फॉर से तो वी कैन सी दैट देर आर सम इंटर पॉलीमर

हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का सी ओ कार्बोनल ग्रुप और एन एच लिंकेज तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हो रहा होता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है यहाँ पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पे बनेगा जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना बहुत एसेंशियल हो जाता है लिए। आपके लिए वेयर एज कोवेलेंट बॉन्ड में आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चीज़ें बन रही होती हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं एंड विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू विच कंपाउंड दैट इज़ एसेंशियल तो कार्बोक्सिल रेडिकल्स अदर लिंकेजेस दैट आर प्रेजेंट इज़ कार्बोक्सिल रेडिकल्स और दे और आइनिक बॉन्ड्स दीज आर अदर बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट और यहाँ पे कोवेलेंट uh, बॉन्ड भी बन रहा होता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इट इज़ इन सिस्टाइन लिंकेज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन वूल्स मेक द वूल पॉलीमर द ओनली सिस्टाइन लिंकेजेस ये आपको डाई सल्फाइड बॉन्ड इफ़ आई यू सी अबाउट दिस वूल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे दो सल्फ़ाइड ग्रुप्स भी आपको प्रेजेंट मिलेंगे तो इन सल्फाइड ग्रुप्स में आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरा होता है क्योंकि सल्फर टू सल्फ़र में आपका इलेक्ट्रॉन्स uh, का शेयरिंग हो, होता है इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ देखने को मिलेगा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट डाई सल्फाइड बॉन्ड्स इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज दीज थिंग्स आर प्रजेंट

और इसकी प्रॉपर्टीज़ यू शुड वूल रिमेम्बर वूल वुल्जॉर्स मॉइस्चर तो तन, वूल का हाईएस्ट हाईएस्ट रीगेन मॉइस्चर रीगेन yeah, प्रॉपर्टीज yeah. अमंग ऑल हेलो सर हेलो